सर आज हम लोगों को क्लीवेज और फ्रैक्चर के बारे में बहुत सारी चीजें समझाने वाले हैं, बहुत रोचक जानकारी हम लोगों को मिलने वाली है। तो नमस्कार सर, आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर देशमुख, आपका भी स्वागत है। जो छात्र इस विजुअल्स को देख रहे हैं उनका भी स्वागत है इस सत्र में। तो सर, आज क्लीवेज और फ्रैक्चर जो कि दो बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं खनिजों के, भौतिक गुणों में से दो बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं, जिनका उपयोग करके हम लोग खनिजों को पहचानने के लिए एक प्रयोग करते हैं। तो क्लीवेज के बारे में सर कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, इसके पहले हमने जो भी ये शायद हमारा चौथा डिस्कशन है। जी जी। और हमने इसके पहले भी चर्चा की है कि किसी भी खनिज को पहचानने के लिए एक या एक से अधिक गुणों को जब हम कंपोजिट रूप में उसकी चर्चा करते हैं या उसको पहचानते हैं या उस पर अध्ययन करते हैं, तो हम उस खनिज को अच्छे से पहचान पाते हैं। उस कड़ी में आज हम क्लीवेज, जिसे हिंदी में विदलन कहते हैं, उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप सहमत होंगे कि क्लीवेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है खनिजों को पहचानने के लिए। और छात्र जब स्नातक की कक्षाओं में आते हैं तो क्लीवेज समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। बाकी भौतिक गुणों को यदि हम उससे कंपेयर करें उससे, तो क्लीवेज क्या है? इट इज, आप स्क्रीन पर छात्र लोग देख पा रहे होंगे कि ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ वीकनेस विद इन अ मिनरल। किसी खनिज में कितने वीकनेस, कमजोर तल है, उसको उसका क्लीवेज कहते हैं। डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द ओरिएंटेशन ऑफ वीक बॉन्ड्स विद इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस फीचर इज ऑल्सो हाईली डायगोनिस्टिक। अब इसको बहुत ही सरल भाषा में यदि कहा जाए तो यह खनिजों में उपस्थित कमजोर तल है जिसके अलोंग खनिज को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। जी जी। जैसे हमने, आप इस पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक टू डायरेक्शनल टेबुलर क्लीवेज का यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है। ये मेरे हाथ में टू डायरेक्शनल टेबुलर क्लीवेज का एक हैंड स्पेसिमेन छात्र लोग देख पा रहे होंगे। ये फेल्सपार मिनरल है, जो चित्र आप अभी स्क्रीन पे देखे है टू डायरेक्शनल टेबुलर क्लीवेज का, यही फेल्सपार है जो टू डायरेक्शनल टेबुलर क्लीवेज दिख रहा है। और इसमें कमजोर तल का मतलब, जैसे हमने देखा है बहुत सरल भाषा में, काजू को हम जो विदलन तल है, जो क्लीवेज प्लेन है, वहां से आसानी से दो भागों में अलग कर सकते हैं। अभ्रक हमने सबने देखा है, अभ्रक की हम परतें अलग कर सकते हैं। जो किसी भी खनिज में यह कमजोर तल पाए जाते हैं एक दिशा में, वन डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल, थ्री डायरेक्शनल, फोर डायरेक्शनल एंड सिक्स डायरेक्शनल, इतने क्लीवेज प्लेन, इतने दिशाओं में यह खनिज को तोड़ा जा सकता है। यहाँ पर एक बात थोड़ी सी छात्रों के मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि अक्सर ये स्नातक के छात्र पर्टिकुलरली ये गलती करते हैं कि उसको डायमेंशनल लिख देते हैं, कभी कभी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो ये डायमेंशनल नहीं, ये वन डायरेक्शनल है। एक दिशा में वो टूट सकता है, कि दो दिशा में टूट सकता है, कि तीन दिशा में टूट सकता है, कि चार दिशा में टूट सकता है, कि छह दिशाओं में वो आसानी से टूट सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ये है आप कि क्लीवेज जो है वो क्यों है, कमजोर तल क्यों है? तो बात वही आती है, एक 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 एक, एक शेर मुझे याद आ गया कि जिक्र छड़ा जब कयामत का, बात तेरी जवानी पे पहुंची। तो बात इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आती है, सारा खेल इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। दूसरा उदाहरण बहुत ही सामयिक है, लेकिन बहुत दुर्भरा है, मैं देना नहीं चाहता। अभी जो कोरोना वायरस की चर्चा चल रही है और अंदर से कह रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए, तो जो भी खनिज है उसका अंदर से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए हमने माइका देखा है, अभ्रक देखा है, यहाँ हम चित्र देख पा रहे हैं जिसमें मेरे लेफ्ट हैंड में सबसे नीचे वाला चित्र माइका का है। इसमें आप छात्र लोग आसानी से पढ़ पा रहे होंगे, बिकॉज ऑफ द वीक बॉन्ड्स माइका स्प्लिट्स इजीली बिटवीन सैंडविचेस, पॉजिटिव आयन सैंडविच बिटवीन टू शीट सिलिकेट लेयर्स। तो इसमें जैसे मान लीजिए हम बायोटाइट माइका का उदाहरण ले,
तो ये जो उसमें आयरन और मैग्नीशियम के जो मेटोलाइट्स है वो इस शीट के बीच में फंसे हुए हैं और बाकी ऊपर से वो ऊपर से लेयर है, तो इसलिए उस लेयर से उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है शीट लाइट स्ट्रक्चर में। तो इसमें हम कहते हैं वन डायरेक्शनल क्लीवेज, एक दिशा में इसको बहुत आसानी से तोड़ा जा जी सकता है। वैसे ही दो दिशाओं में मिनरल कौन सा तोड़ा जा सकता है, अभी हमने जो देखा कि फेल्सपार जो है वो दो दिशाओं में आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो दो दिशाओं में तोड़े जाने के लिए फेल्सपार का यदि हम चित्र यहाँ देख पाए तो यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं वन दिशा में माइका है, यहाँ दो दिशाओं में फेल्सपार है, तो टू डायरेक्शनल क्लीवेज, इसमें टू डायरेक्शनल टेबुलर क्लीवेज है क्योंकि इसमें दो दिशाओं में परपेंडिकुलर, टेबुलर इसलिए कि टेबल में आप देखिए एक प्लेन ऊपर वाला और एक प्लेन वर्टिकल, तो जब भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उसके 90 डिग्री पे दूसरा प्लेन होगा, इन दो दिशाओं में कोई भी चीज टूटेगी तो वो टेबुलर फॉर्म देगी, वो टेबुलर टूटेगी। तो ये दो दिशाओं में फेसपार में टू डायरेक्शनल क्लीवेज होता है, इसलिए वो टेबुलर उसको टू डायरेक्शनल टेबुलर क्लीवेज कहते हैं। तो खनिज इसमें फेसपार जो उदाहरण है वो दो दो दिशा में टूटे जाने वाले टू डायरेक्शनल क्लीवेज का उदाहरण है। वैसे थ्री डायरेक्शनल क्लीवेज में हम यदि आते हैं तो हमने देखा है गेलेना का उदाहरण, जो मेटेलिक मिनरल है PbS लेड सल्फाइड होता है, उसमें अपने को थ्री डायरेक्शनल, लेकिन उसमें थ्री डायरेक्शनल क्यूबिक क्लीवेज होती है या हेलाइट या जिसको अपन नमक कहते हैं, उसमें थ्री डायरेक्शनल क्यूबिक क्लीवेज होती है। ये क्यूबिक मतलब क्यूबिक कब होगा जब तीनों दिशाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। चित्र में छात्र लोग देख पा रहे होंगे कि तीनों दिशाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तभी क्यूब। क्यूब कैसे बनता है, एक दो तीन, तीनों दिशाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। वही थोड़ा सा तीनों दिशाओं को हम टिल्ट कर दे तो वो रोम्बिक हो जाता है। तो इसमें हमको कैल्साइट जो है मिनरल CaCO3 जिसका केमिकल कंपोजिशन होता है वो थ्री डायरेक्शनल रोम्बिक क्लीवेज का बहुत अच्छा उदाहरण है। लक्ष्य आप इस पे आगे कुछ इसमें जोड़ना चाहें? सर, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अभी आपने कही उसको मैं फिर से रेखांकित करना चाहूंगा कि ये जी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मिनरल्स के एटॉमिक अरेंजमेंट पर निर्भर है। जी 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 एक बहुत महत्वपूर्ण बात लगती है कि ये जी जो प्लेन्स ऑफ वीकनेसेस के बारे में आपने कहा, ये चीज मैं फिर जी से एक बार रेखांकित करना चाहूंगा कि ये जी उस विशेष गुण को हमारे लिए एक तरह से एक इंडिकेशन है उसका कि जो जी अलग अलग वीकर प्लेन्स हैं जिनके अलोंग वो जी मिनरल आसानी से टूट रहा है, ये वीकर प्लेन्स जैसा अभी आपने माइका के बारे में बताया था, ये इनके एटॉमिक अरेंजमेंट के कारण डेवलप होते हैं। तो सर, जी और माइका में आगे आपको याद होगा सर, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस आ गई है जो जिससे हम आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं। जी ये जी पहले में एक आयरन प्रेस आया करती थी जिसमें माइका यूज हुआ करता था, जी तो जी माइका अभ्रक खनिज उसमें इसलिए यूज होता था कि वो परतदार होता था, उसकी परतें आसानी से टूटती थी, उसके अंदर में वो इलेक्ट्रिक का एक कॉइल लगा देते थे जिससे उसमें हीट जनरेट होती थी, क्योंकि तो वो ऊष्मा का कुचालक होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, कुचालक होता है, इसलिए उसको वहां पे माइका को यूज करते थे। और वो पुराने जमाने की जो प्रेस आती थी आयरन करने की उसमें माइका यूज होता माइका था। यूज होता था। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर, ये जो फोर डायरेक्शनल क्लीवेज है ये इमेजिन करना, थोड़ा सा इसकी कल्पना करना हम लोगों के लिए, जी विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, खासकर BSc फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल जाता है। तो ये फोर डायरेक्शनल क्लीवेज के बारे में सर कुछ थोड़ा सा अगर आप जानकारी देंगे तो। सर, आप उसमें ऊपर में देख पा रहे हैं डायमंड में, देखिए ऊपर में डायमंड का अपन इसके पहले भी जब हमने डायमंड के हार्डनेस के बारे में या हार्डनेस के बारे में जब हमने चर्चा की थी तो हमने देखा था कि हार्डनेस और टफनेस में क्या फर्क होता है। तो जी डायमंड हार्ड होने के बावजूद भी वो टूट सकता है, ये हमने चर्चा की थी। और जेड है या लकड़ी है वो उससे आसानी से टूट नहीं सकती, उसमें कार्विंग हो सकती है, तो वो टफ है या हार्ड है। अब ये जी इसमें क्लीवेज प्लेन आप आसानी से देख रहे हैं, अपोर्टल उसका जो शेप है, इसमें ये चार दिशाओं में क्लीवेज यहाँ पे छात्र देख पा रहे होंगे, जी ये जी फोर डायरेक्शनल क्लीवेज जो 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 डायरेक्शनल जो डायमंड में पाई जा रही है और फ्लोराइड में पाई जा रही है। जी कुछ कॉमन मिनरल्स जो कि रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हम लोग अक्सर थिन जी शीट जी जी देखते हैं और हम जी में भी देखते हैं, उनमें पायरोक्सेंस और जी एम्फिबोल्स हैं। अब ये जी पायरोक्सेंस और एम्फिबोल्स ये दो ग्रुप ऑफ मिनरल्स जी हैं,
और इनके अंदर दोनों के अंदर टू डायरेक्शनल क्लीवेज पाई जाती है, पर ये क्लीवेज वो गुण महत्वपूर्ण गुण माना जाता है जिसके द्वारा हम लोग पायरोक्सिन ग्रुप ऑफ मिनरल्स और एम्फिबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जी बिल्कुल बराबर। जी जी, तो ये अलग करने का जो तरीका है वो ये है कि पायरोक्सिन ग्रुप ऑफ मिनरल्स के अंदर जो क्लीवेजेस मिलती हैं वो एक दूसरे से करीब करीब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई मिलती है, जबकि एम्फिबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स के अंदर ये क्लीवेजेस 56 डिग्री या 124 डिग्री का कोण बनाती हुई मिलती है। तो ये एक, जैसा आपने पहले कहा था कि एक ये डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है, तो उस तरह से भी यूज किया जा सकता है, अलग अलग मिनरल्स को पहचानने में यूज किया जा सकता है। सर, सर गैलेना के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, तो इसमें कुछ और आप कहना? गैलेना का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फोर डायरेक्शनल क्लीवेज है, राइट में, हमारे राइट साइड में, मेरे राइट साइड में ये गैलेना का चित्र यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें वन प्लेन, टू प्लेन एंड प्लेन थ्री दिखाया, ये थ्री डायरेक्शनल क्यूबिक क्लीवेज इसमें बहुत अच्छे से परिलक्षित हो रही है, छात्र लोग देख पा रहे हैं उसमें। उसके ऊपर में जस्ट टू डायरेक्शनल फेल्सपार की टू डायरेक्शनल क्लीवेज का चित्र है जिसमें छात्र लोग देख पा रहे हैं। इससे अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब आप आपने जो स्लाइड यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है, केलसाइट का बहुत अच्छा यहाँ पे उदाहरण चित्र दिख रहा है साहब, जिसमें थ्री डायरेक्शनल क्लीवेज है, रोम्बिक क्लीवेज है, क्योंकि इसमें जो तीन प्लेन्स होते हैं वो अनलाइक गैलेना, इसमें वो 90 डिग्री पे नहीं होते, सर्टेन डिग्री पे वो रोम्बिक, इसलिए उसमें रोम शेप में वो मिनरल टूटता है हमेशा। केलसाइट को आप जितना भी छोटा तोड़ना चाहे वो हमेशा रोम शेप में टूटता है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने अभी क्लीवेज या विदलन के बारे में जानी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और सर फ्रैक्चर के बारे में हम आपसे और जानना चाहेंगे। तो फ्रैक्चर क्या है, या विभंग जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, विभंग किसी खनिज का कौन सा गुण है, क्या चीज जिसको हम लोग विभंग के नाम से जानते हैं? जैसे डॉक्टर साहब छात्र लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इफ द मिनरल कंटेन्स नो प्लेन ऑफ वीकनेस इट विल ब्रेक अलोंग रैंडम डायरेक्शंस कॉल्ड फ्रैक्चर। सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रैक्चर पैटर्न्स आर ऑब्जर्व्ड। कॉनकॉइडल फ्रैक्चर ब्रेक्स अलोंग द स्मूथ कर्व्ड सर्फेसेस, फाइब्रस एंड स्प्लिंटरी सिमिलर टू द वे वुड ब्रेक्स, जैसे लकड़ी टूटती है। हैकली जैग फ्रैक्चर्स विद द शार्प एजेस, अनइवन और इररेगुलर रफ इररेगुलर सर्फेसेस। फ्रैक्चर जैसे को हम विभंग कहते हैं हिंदी में, यह कुछ नहीं है, यह किसी भी खनिज को जब तोड़ा जाए तो उस टूटे हुए सरफेस का कैरेक्टर क्या होता है, यह उसका फ्रैक्चर है, वो कैसे टूटेगा जी, है ना। अब फिर से मैं काजू के उदाहरण पे आता हूँ सर, कि काजू को यदि हम उस वीक प्लेन से तोड़े तो वो तो इवन टूटेगा बिल्कुल, लेकिन हम उसको अगर उस वीक प्लेन के अलावा तोड़े जी, तो हमको उसका कैरेक्टर देखना है कि वो कैसे टूटेगा। अब इसमें इफ द मिनरल कंटेन्स नो प्लेन ऑफ वीकनेस इट विल ब्रेक अलोंग द रैंडम डायरेक्शंस कॉल्ड फ्रैक्चर। इवन इफ द प्लेन्स ऑफ वीकनेस आर देयर, इवन देन द मिनरल विल शो द फ्रैक्चर। इट इज नॉट लाइक दैट, इवन देन द मिनरल विल शो द फ्रैक्चर। ओनली प्रिकॉशन वी हैव टू टेक दैट वी हैव टू सी द फ्रैक्चर इन द डायरेक्शन अपार्ट फ्रॉम द क्लीवेज प्लेन और प्लेन्स। बहुत सुंदर, लोग समझ रहे होंगे इसको, कि यदि किसी खनिज में क्लीवेज प्लेन उपस्थित भी है, वन डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल, थ्री डायरेक्शनल, तो टूटेगा तो वो, ऐसा तो नहीं कि टूटेगा। उस एक डायरेक्शन के, जैसे माइका का उदाहरण है, वन डायरेक्शनल क्लीवेज है, ठीक है, हम उसको उस क्लीवेज के अलावा यदि तोड़ते हैं तो वो तो इवनली ही टूटेगा, दैट इज नॉट द फ्रैक्चर, वो तो हमेशा इवन होगा, दैट इज नॉट द फ्रैक्चर। हमको कब देखना है, हमको कैसे देखना है, उसके परपेंडिकुलर अलोंग उसको तोड़ के देखना है, वो जो वीकनेस प्लेन है उस वीकनेस प्लेन के अलावा दूसरे प्लेन में उसको हमको तोड़ के देखना है, और वहां वो कैसे टूटता है वो हमको देखना है, तो वो उसका फ्रैक्चर मतलब कैरेक्टर है। वो क्या कुछ ऐसा है कि फ्रैक्चर इज द नेचर ऑफ सरफेस व्हिच इज ऑब्जर्व्ड, नेचर ऑफ सरफेस, एग्जैक्टली नेचर ऑफ द सरफेस, when the mineral is broken in a direction other than cleavage direction, cleavage direction exactly. किसी भी direction में जब mineral टूटेगा तो उसके surface का nature कैसा होगा, क्या ये fracture को define करेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उसको अगर cleavage के along तोड़ते हो तो हमेशा ही वो नहीं टूटेगा, बिल्कुल, तो उसका characteristic नहीं होगा। जी जी,
वो, और मिनरल तो टूटेगा कि ऐसा नहीं कि मिनरल नहीं टूटेगा भाई, वन डायरेक्शन के अलोंग, टू डायरेक्शन के अलोंग, थ्री डायरेक्शन के अलोंग, है ना। तो वो उसके अपार्ट फ्रॉम द क्लीवेज प्लेन वो कैसे टूटता है और उसको उसका फ्रैक्चर कहा जाता है। फिर उस फ्रैक्चर को डिवाइड किया गया है, छात्र लोग जानते हैं कॉनकॉइडल फ्रैक्चर। अगर मिनरल बहुत ऐसा टूटता है कि हमको दूर से ही उसके शंखा, मतलब शंख, शंख जैसे होता है, शंख सबने देखा है हमने, शंख में बहुत कर्वेचर्स होते हैं, बहुत नुकीले एजेस होते हैं, तो यदि वो शंख जैसा टूटता है, नुकीला टूटता है, तो उसको कॉनकॉइडल या शंखा विभंग कहते हैं। तो और वो उसकी उसकी जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी कम है, तो उसको सब कॉनकॉइडल या उपशंखाप कहा जाता है। या दूसरा अनइवन, अनइवन मतलब यदि हम जो जिस चौक से हम लिखते हैं उस चौक को यदि हम तोड़ दें, ब्लैक बोर्ड पे जिस चौक से लिखते हैं उसको तोड़े, तो दूर से तो दिखेगा कि वो चौक जो है वो प्लेन है, लेकिन जब आप उसको छू के देखेंगे तो सॉरी खुरदुरा होगा, तो इसका मतलब वो अनइवन फ्रैक्चर हुआ, है ना। तो लेकिन ये उस टूटे हुए सरफेस पे कैसा होगा। और मैं डॉक्टर साहब फिर से छात्रों को एक चीज का याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम जनरल कैरेक्टर्स देख रहे थे तो मैंने एक बात कही थी कि जितने भी मोस्टली क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका होते हैं, फ्लिंट, चर्ट, ये कॉनकॉइडल फ्रैक्चर ही देते हैं, और बहुत अच्छे कॉनकॉइडल फ्रैक्चर देते हैं, बहुत नुकीले टूटते हैं। और इसके पहले स्टोन एज में जितने भी हथियार मिले हैं, संग्रहालय में संग्रहित हैं, उन हथियारों को यदि हम देखें तो वो जो आदि मानव है उसने भले ही भूविज्ञान की स्टडी न किया हो, उसने भूविज्ञान न पढ़ा हो, लेकिन उसे ये पता था कि कौन सा पत्थर तोड़ने से वो नुकीला टूटेगा और किससे बहुत अच्छा धारदार हथियार बनेगा जो उसके शिकार के काम में आएगा। ये तो बहुत सारे जो म्यूजियम्स में पैलियोलिथिक एज के जो औजार हथियार आदि मानव यूज करते थे वो, जैसा आपने कहा, वो देखने में आते हैं सर, बहुत सुंदर, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल सर। फ्रैक्चर और भी कुछ प्रकारों के बारे में हम लोग आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पे छात्र लोग देख पा रहे हैं हैकली फ्रैक्चर, इट इज आल्सो नोन एज द जैग फ्रैक्चर, इज जैग शार्प एंड नॉट इवन, इट ऑकर्स and so often that it encountered in the native mineral, जैसे कोई भी metal हम तोड़ते हैं उसमें जो fracture दिखता है that is a Hackley fracture, and particularly native mineral, जैसे native copper में जो दिखता है बहुत sharp छोटे छोटे edges होते हैं, that is Hackley fracture. Splintery fracture, it comprises sharp elongated points, it is particularly seen in the fibrous minerals such as chrysolite, but may also occur in नॉन फाइब्रस मिनरल such as kyanite. Kyanite एक मिनरल है जिसमें टू उसमें हार्डनेस बड़ी वेरिंग होती है, छात्रों ने kyanite किया होगा, एक डायरेक्शन में चार हार्डनेस होती है अलोंग द क्लीवेज और अक्रॉस द क्लीवेज सात हार्डनेस होती है। तो इस मिनरल में जो फ्रैक्चर देखते हैं हम वो फ्रैक्चर जो है वो स्प्लिंटरी फ्रैक्चर होता है। अनइवन फ्रैक्चर, इट इज रफ सरफेस और वन विद रैंडम इररेगुलरिटीज, इट ऑफर्स इन अ वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग आर्सेनोपायराइट, पायराइट, मैग्नेटाइट एक्सेट्रा। तो सर ये क्लीवेज और फ्रैक्चर के बारे में आज जो आपने इतनी सुंदर जानकारी दी हम लोगों को, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। मैं इसमें चाहूंगा कि आप इसमें कुछ करेक्ट करना चाहे या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहे। सर इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जी मैं एक चीज की एक क्वेरी थी सर, छोटा सा एक था कि जैसे क्लीवेज है तो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर ये डिपेंड है, ये बीएससी के छात्रों के लिए नहीं, लेकिन इसको एमएससी के कुछ छात्र देख पा रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उनके लिए बड़ी काम की बात है कि इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन क्लीवेज होता है, ये हम उसको मोटा मोटा तौर पे कह सकते हैं। जी जी। तो मतलब मिनरल क्रिस्टलाइन यदि है तो उसमें हमको क्लीवेज मिलना चाहिए, मिलता है नॉर्मली, है ना, ये मैं अगर गलत नहीं हूं तो, अगर आप मुझसे सहमत होंगे। लेकिन आप देखिए क्वार्ट्ज एक मिनरल है, स्फटिक जिसको हम कहते हैं, उसमें हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, उसमें फ्रैक्चर नहीं पाया, उसमें क्लीवेज नहीं पाया जाता, उसमें क्लीवेज अब से मिलता। जी जी जी। तो उसका उसका उसको यदि हम कुछ
उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि नॉर्मली जो क्रिस्टलाइन मिनरल है उसमें तो क्लीवेज मिलता है, नॉर्मली क्लीवेज मिलता है, एमॉर्फस की बात तो छोड़ दीजिए, जैसे ग्लास है उसमें तो क्लीवेज होगा ही नहीं, उसका कोई इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर ही नहीं है जी। तो वो क्वार्ट्ज में क्या होता है सर, जैसे सिलिक SI है, मुझे लगता है मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये कोई मेरी जानकारी नहीं दे रहा हूँ, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ, SI है सिलिकॉन, उसकी वैलेंसी 4 है और उसका सिलिका जो है उसका केमिकल कंपोजिशन SiO2 है जी। तो उसे 2 ऑक्सीजन मिले, 2 ऑक्सीजन वो अपने नेबरिंग टेट्राहेड्रा से लेता है, नेबरिंग टेट्राहेड्रा अपने नेबरिंग टेट्राहेड्रा से 2 ऑक्सीजन लेता है और ये क्वार्ट जो है ये टेट्रोसिलिकेट बनाता है इन सच अ वे इट इज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर विदाउट एनी वीकर प्लेन, दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्रेमवर्क में ये मिलता है। बहुत सुंदर, यही कारण हो सकता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया जी, सर जी, जी, मैं एक चीज और चर्चा में मैं लाना चाहूंगा कि जैसे जो प्रॉपर्टीज है, कलर है स्ट्रीक, सॉरी कलर है या लस्टर है, और इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है, कलर और लस्टर को हम ऐसी प्रॉपर्टीज में गिन सकते हैं, एक तो वो डिपेंडेंट अपॉन लाइट है, प्रकाश पर गुण है, दूसरी चीज वो नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज है सर, नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी राइट। और ये क्लीवेज और फ्रैक्चर, ये दो गुण मुझे ऐसे लगते हैं जिसमें मिनरल के टूटने की बात आती है। जी 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 जी, तो ये एक और विशेष बात लगती है कि ये वो डिस्ट्रक्टिव होने से, उसके टूटने से वो उस पर आधारित ये गुण है सर। कुछ और एक टूटना भी है। जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे ना सर। हाँ, एक रिक्वेस्ट और थी, आपका इतना सुंदर मिनरल्स का कलेक्शन है, हम लोग जरूर इसमें से कुछ मिनरल्स ऐसे जो आप हम लोगों को दिखाना चाहें, विशेष तौर पर कुछ फ्रैक्चर और क्लीवेज के गुण पर आधारित कुछ विशेष मिनरल्स आप जरा दिखाना चाहें। अभी, अभी, अभी हमने फेस पर क्लीवेज का बहुत अच्छा कलेक्शन, ये एक और आप देख रहे हैं परफेक्ट टेबुलर क्लीवेज का फेस्पर का उदाहरण, ये भी बस्तर एरिया का है जी जी। ये जो गोविंदपाल तोंगपाल है जहाँ पे पिगमेटाइट्स रॉक्स होती है जिसमें टिन मिनरलाइजेशन हुआ है, वहाँ का ये सैंपल है सर। और टिन मिनरल आपको हम लोग जानते हैं कि पिगमेटाइट में नंबर ऑफ मिनरल्स मिलते हैं, इट इज कॉल्ड म्यूजियम ऑफ मिनरल्स, पिगमेटाइट को कहा जाता है म्यूजियम ऑफ मिनरल्स, और उसका साइज भी, उन मिनरल्स का साइज भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, वहाँ पे बेरिल ऐसा मिलता है, इतना बड़ा साइज में भी मिलता है कि इसका आप स्टूल बना सकते हैं, इतने बड़े साइज में बेरिल जो है वो हेक्सागोनल, परफेक्ट हेक्सागोनल उसका क्रिस्टल पाया जाता है वहाँ बस्तर में। तो कभी कही है उससे पुराने दिन याद आते हैं और मुझे याद आता है आदरणीय साथ में उनके गोविंदपाल गए थे और सर ने हमको एक इतना बड़ा बेरिल का क्रिस्टल वहां पर दिखाया था, जैसा आपने कहा स्टूल के बराबर साइज का। तो इस एपिसोड में हम लोग विशेष तौर पर उसको याद करके हमारे आदरणीय अरविंद सिंह सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने अपना पर्सनल कलेक्शन भी हमने देखा था और उनका जो टेंट था उस टेंट में वो जो स्टूल था वो बेरिल का ही बना हुआ था, बेरिल पे ही वो बैठे हुए थे। क्या बात। तो सर इसको यहाँ अपन इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं शायद, और अगले प्रॉपर्टीज के साथ हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको कोऑर्डिनेट किया और ये ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं ये बहुत ही छात्रों के लिए लाभदायक हो सकता है, ऐसा हमारा प्रयास है। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, समस्त छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे खनिज जो कि हम लोग किताबों में पढ़ते हैं या जिनके बारे में सुनते हैं वो आप हमको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दिखा भी रहे हैं, उनके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। आशा है भविष्य में भी इस तरह का ज्ञानवर्धन हम लोगों का आप करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।